यहाँ तक, यहाँ पे जाम लग रहा है, फिर उसके बाद वहाँ तक बिल्कुल आगे तक जाम पड़ा हुआ है भाई। इतनी देर से मैं जाम में फंसा हुआ था। और वेलकम टू अनदर वीडियो, एंड अभी मैं हूँ क्रावल नगर ईस्ट दिल्ली में, और पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके कारण अभी ना इस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा हमें दिक्कत सहने पड़ रही है, क्योंकि वन वे चल रहा है, ये वन वे चल रहा है। तो इसी मारे ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ना थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जारविस अपने पीछे खड़ी हुई है। तो दिखाता हूँ इस वाले पॉइंट से, यहाँ से उतर के यहाँ से आया हूँ, क्योंकि उससे आगे ना वन वे कर रखा है, क्योंकि इस रोड को चौड़ा किया जा रहा है, जिसके कारण हमें अपने जारविस को वहाँ से उतार के लाना पड़ता है रोड डेली, फिर इस वन वे पे जाना पड़ेगा, फिर आगे एक जो जा कर के ये वापस से टू वे हो जाता है, यानी कि रॉन्ग साइड या साइड दोनों चीज़ें बदल जाती हैं। दिखाते वही दिखाने वाला हूँ कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि जब से ये सहारनपुर वाला हाईवे बनना स्टार्ट हुआ है ना, तो प्रॉब्लमें बहुत हो रही हैं, क्योंकि हर कोई वन वे आ रहा है यहाँ पर इस रूट पे, और दिक्कतें रहती हैं, डर रहता है कहीं ना कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। बस तो अभी मैं उस वाले पॉइंट से आ रहा हूँ जहाँ पर वो ट्रक और क्रेन खड़ी है, वहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा था। यहाँ पर तक तो रोड ठीक है, आगे चल करके यही रूट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो मैं साइकिलिस्टों को मना करूँगा। यहाँ पर मैंने दो तीन जने देखे थे साइकिलिंग करने आ रहे हैं, तो उनसे मैं मना करना चाहूँगा कि अभी इस रूट पर ना आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा इस रूट पर, जारविस अपनी वहाँ पर खड़ी हुई है। तो देन हम लोग चलते हैं और आगे का रूट दिखाता हूँ कितना ज़्यादा ख़राब है। यहाँ तक तो बहुत ही ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ये अभी बना दिया गया है दोबारा से, और वन वे वो है उस साइड में, क्योंकि पहले उस रूट से आना पड़ता था हमें, मगर मेरा जहाँ से घर है वहाँ पे इसके लिए ऊपर चढ़ाई नहीं है, हमें इसी रूट से आना पड़ता है, थोड़ा सा रॉन्ग वे जैसे बाकी के सभी लोग आ रहे हैं। देखो, देख सकते हो। अभी मैं और आगे दिखाने वाला हूँ कि और कितना ज़्यादा ख़राब है। यहाँ तक तो रूट ठीक होता है, ये पड़ता है दिल्ली पुलिस लोकेशन, जो क्रावल नगर के लिए हम लोग जाते हैं, तो आगे मैं दिखाने वाला हूँ और कितना ज़्यादा रूट ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा सही है, यानी कि उस हिसाब से सही है रूट पीछे से, अब आगे वाला जो पॉइंट पड़ने वाला है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी वजह से थोड़ी सी मुझे तो होती ही होती है, बाकी सभी को प्रॉब्लम होती है। दिखाता हूँ कैसे। तो रोज़ हमें इस जाम का सामना करना पड़ता है, मेरे को वहाँ से उस दूर से आकर के यहाँ तक, यहाँ पे जाम लग रहा है, फिर उसके बाद वहाँ तक बिल्कुल आगे तक जाम पड़ा हुआ है भाई। इतनी देर से मैं जाम में फंसा हुआ था, और जाम का चक्कर, तो जाम का सामना मुझे रोड डेली करना पड़ता है इतने जाम में। मेरे पीछे भी देख सकते हो, बहुत लंबे रूट से जाम लग रहा है यहाँ पर। तो अभी मैं आ चुका हूँ सिग्नेचर वाले रूट पे वापस से, और खजूरी से जाम से निकलते हुए बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा राहत मिली है, वरना वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जाम था। हम लोग जाने वाले दिल्ली से बजरू किला होते हुए, जब मिलते हैं। तो वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि वहाँ पे मैंने कुछ साइकिलिस्टों को देखा था उस वाले रूट पे आते हुए, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा बन चुका है इसलिए। तो पहले मुझे खजूरी पे जाम मिला, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट मुझे जाम मिलता है सबसे तगड़ा वाला, वो है मजनू टिला। मजनू टिले पे यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला जाम रहता है, दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप सिग्नेचर से उतरोगे, आपको जाम का सामना कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, और ये समथिंग 1 किलोमीटर आवर में आगे जो गुरुद्वारा है वहाँ तक ये जाम लगा रहता है। अब ये समझ में नहीं आता इतना जाम रहता क्यों है यहाँ पर, क्योंकि रोड भी खुला होता है, शायद जो नो पार्किंग वगैरह है उसकी वजह से, क्योंकि सिर्फ वहीं तक जाम मिलता है, वहाँ से जैसे हम लोग क्रॉस करेंगे उसके बाद नहीं मिलेगा। दिखाता हूँ नेक्स्ट आगे, सामने रेड लाइट है ना, इसी की वजह से यहाँ तक का जाम मिलता है। और ये हो गया हमारा मजनू किला गुरुद्वारा, गुरुद्वारे से निकलते ही अब जाना सीधा हमें यहाँ पर दिल्ली शहर वाले रूट पर। ये रूट जाता है राजघाट हो गया, और आपका वापस से शास्त्री पार्क वगैरह। अब जाके कहीं थोड़ा सा जाम से राहत मिली है, क्योंकि जब तक तो मजनू किले पे थे तो जाम ही जाम था। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हनुमान मंदिर, पीछे मेरे हनुमान मंदिर है, और अब हम लोग लाल किले वाले रूट पे जाने वाले हैं, और यहाँ तक मुझे जाम का इतना ज़्यादा सामना करना पड़ता है, वो भी सुबह के 9:30 बजे से लेकर अब तक। और अभी हो रहा है अभी टाइम हो रहा है 11 बजने वाले हैं, और इतने टाइम पर यहाँ पर इतना जाम रहता है, खजूरी हो गया, क्रावल नगर हो गया, और आपका सिग्नेचर ब्रिज हो गया, मजनू टिला हो गया, फिर उसके बाद कश्मीरी गेट हो गया, हमें बहुत ही ज़्यादा जाम का फेस करना पड़ता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं दिल्ली 6, और लाल किला मेरे सामने, यानी कि पीछे इस साइड में, और अभी तक तो सामने लाल किला हो गया, सामने लाल किला हो गया।
सॉरी गौरी शंकर मंदिर वो हो गया, जैन मंदिर ये हो गया। इसी रूट पे आगे चल करके हमें गुरुद्वारा मिलता है, गुरुद्वारे की वो ऊपर वाली छत पे दिखाई दे रही है, ये रही हमारी। तो यहाँ तक की जर्नी हमारी बहुत ज़्यादा कठिनाई भरी रही है और इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जाम से कैसे निकलना है ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, और जाम से निकलने से पहले आपको देखना पड़ता है रूट कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि मुझे जितना आज जाम का फेस, इतना ही मुझे रोड डेली अगर मैं राइड पर निकलता हूँ तो इतना जाम का फेस मुझे करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे ज़्यादा खजूरी हो गया, फिर मजनू टेला हो गया, फिर हमारा करावल नगर हो गया, क्योंकि वहाँ पर सहारनपुर का हाईवे बनना है। इसलिए जब मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।